छत्तीसगढ़ में अभी सहकारी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चल रहा है और रह रहकर इन समितियों में अव्यवस्थाओं की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में इन सभी मामलों को लेकर कोरिया में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के द्वारा बैकुंठपुर में स्थित राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि 72 घंटे में किसान के खाते में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा आएगा, लेकिन किसान के खाते में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल पैसा आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने सरकार से मांग की है कि धान खरीदी का भुगतान 3,217 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करे, क्योंकि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य में 117 रुपये की वृद्धि कर चुकी है। वहीं इसी विषय को लेकर जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूरे समिति में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। यह बात अलग है कि जिन किसानों का रकबा ज्यादा है उनका धान की खरीदी का टोकन 2 से 3 बार में कट रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उनका पूरा धान खरीद रही है और गोदाम में चावल पर्याप्त है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। अभी धान खरीदी को लेकर यह प्रेस वार्ता रखी गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। छुट्टियां काट दी जाए तो मात्र 47 दिन बचते हैं। 47 दिन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना संभव नहीं है। प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाए, 47 दिन में ये लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ₹3,100 धान खरीदी की बात इन्होंने कही, ₹2,300 अभी वर्तमान में इन्होंने ये धान की कीमत दे रहे हैं। किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी का इन्होंने वादा किया था और केंद्रों में मात्र 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इन लोग टोकन काट रहे हैं, जो कि किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आपको मैं ये बता दूं कि राइस मिलर्स की जो कांग्रेस के समय में स्थिति थी, ₹120 प्रति क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार मिलिंग का दर देती थी प्रति क्विंटल, परंतु अभी बीजेपी की सरकार ने इसको काट कर ₹60 प्रति क्विंटल कर दिया है। मिलर्स, राइस मिलर एसोसिएशन हड़ताल पर हैं। कांग्रेस सरकार के समय ₹120 जब दर किया गया था तो छत्तीसगढ़ में 700 राइस मिल नई लगी थी और ये दर कम हो जाने के कारण सभी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारियों के साथ भी हो रहा है, किसानों के साथ हो ही रहा है। देखिए, जिन्हें पब्लिक नकार चुकी है और ये कांग्रेस के द्वारा ही अफवाह फैलाया गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की है और हमारे घोषणा पत्र में किसानों से 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये के रेट से लिया जाएगा और लिया जा रहा है। ये जरूर है कि टोकन उनको 2 बार 3 बार कट रहे हैं, एक बार में कोई भी किसान 500-400 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, इसलिए 2 बार टोकन दिया। अरे देखिए, कांग्रेस को उनका चिंता नहीं करना, सरकार किसानों से धान खरीद रही है, सोसाइटियों में चावल पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। अरे सरकार निश्चित रूप से मिलरों से उनकी बातचीत चल रही है और मिलर एसोसिएशन में रायपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया है और बहुत जल्द उन समस्या का भी निराकरण हो जाएगा और सभी सोसाइटियों से धान का उठाव लगातार चालू हो जाएगा।